दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आजम फ्रॉम आजम ट्रेडर्स। दोस्तों, बहुत से दोस्तों ने सोलर के रेट के मुतलक क्वेश्चन किए हुए हैं, तो आज हम रेट्स पर एक वीडियो बनाएंगे। तो इसको शुरू से एंड तक जरूर देखें ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। तो दोस्तों, जो हमारे चैनल पे नए आने वाले दोस्त हैं, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आने वाली नई वीडियोज़ हैं, मालूमती वीडियोज़ हैं, आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। ये जो सोलर पैनल में कमी वाकया हुई है, इसकी पीछे एक वजह है जो गवर्नमेंट ने इसके टैक्सेस और इसकी ड्यूटी ख़त्म कर दी है, तो उसकी वजह से ये सोलर पैनल के रेट कम होते जा रहे हैं। अभी भी आप देखें, ये पोर्ट पर तकरीबन 700 कंटेनर खड़े हैं जो मार्केट में आने वाले हैं, तो हो सकता है मजीद इसके रेट में कमी आ जाए। तो आज जो हम आपको मालूमात दे रहे हैं वो सोलर पैनल के रेट्स के हवाले से है, और हमारा मकसद किसी दुकानदार को तंग करना नहीं है या किसी दुकानदार पर उंगली उठाना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि अवाम को इसका रिलीफ मिले, अवाम को पता चले कि ये सोलर पैनल अगर सस्ते हुए हैं तो अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। तो दोस्तों, आइए आपको इनके रेट के मुतल्लक मालूमात देते हैं। जो लॉन्जी कंपनी के पैनल हैं, वो इस वक्त उनका 48 रुपये पर वाट रेट हो चुका है। उसके बाद जिनको कंपनी के पैनल हैं, जिनको कंपनी के पैनल का भी रेट 48 रुपये पर वाट चल रहा है। और उसके बाद आ गया कैनेडियन पैनल, कैनेडियन बाइफिशियल पैनल, उसका रेट भी तकरीबन वही है, 49 रुपये पर वाट। और उसके बाद आ जाता है जे ए सोलर के भी रेट्स भी 48 रुपये पर वाट के हिसाब से हैं। ये पैनल इस वक्त मार्केट में जो ज़्यादा चल रहे हैं वो ये वाले पैनल हैं। इनकी डिमांड ज़्यादा है और क्वालिटी भी बेहतर है, अच्छे पैनल्स हैं, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये खरीद कर लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? इसके पीछे वजह यह है कि जो बिजली के रेट्स हैं वो कंट्रोल नहीं हो रहे, गवर्नमेंट आए दिन उसके रेट बढ़ाती जा रही है, जिसकी वजह से अवाम पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना कर रही है। घर में समझ लें कि खाने के लिए पैसे नहीं है, तो बिल उनको ज़रूर देना पड़ता है। तो बिल से बचने के लिए अब आप इस तरफ आ सकते हैं, क्योंकि रेट्स कम हो चुके हैं सोलर पैनल के, और हर बंदे को कोशिश करके ये सोलर पैनल लगवा लेने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी, वो सोलर पैनल के यूनिट के हिसाब से होगी, यूनिट के मतलब होगी कि हमारे जो 1000 वाट का सिस्टम है सोलर पैनल का, वो कितने यूनिट बनाता है, और 1500 वाट का कितने बनाता है, 2000 वाट का कितने का बनाता है, कितने यूनिट देता है आप लोगों को, तो उसके मतलब वीडियो होगी। तो इंशाल्लाह आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो नेक्स्ट मालूमती वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।